बामन टुकड़ा में वार्षिकोत्सव संपन्न। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामन टुकड़ा में वार्षिकोत्सव गोरबंद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य धन सिंह राव तथा विशिष्ट अतिथि राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, बामन टुकड़ा सरपंच लहरी लाल दवे, पूर्व सरपंच जगदीश चंद्र दवे, उप सरपंच सुरेश दवे थे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने राजस्थानी और फिल्मी गानों पर एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में बैठे छात्र छात्राओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में बैठे अभिभावकों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों का अतिथियों द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था प्रधान रंगलाल पालीवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और विद्यालय स्टाफ मौजूद थे। स्वस्थ होली सद्भाव की रंगोली पोस्टर का विमोचन। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रकल्प इको फ्रेंडली होली मनाने के लिए स्वस्थ होली सद्भाव की रंगोली पोस्टर का विमोचन अनुव्रत समिति दिवेर द्वारा किया गया। समिति अध्यक्ष गणेश राम मुनकर ने बताया कि यह पोस्टर गांव के मुख्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत होली के दौरान पानी का अपव्यय न हो, केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग न हो, सद्भावपूर्ण और शालीन तरीके से होली खेली जाए, इसका प्रचार किया जाएगा। इस प्रकार का आमजन को जागरूक करते हुए कार्यक्रम की सफलता की मंगल कामना की। इस अवसर पर सरपंच भंवर सिंह, डालचंद सोलंकी, बाबूलाल लोढ़ा, भारती सुराणा, हरीश सालवी, दिलीप उपाध्याय, हरी सिंह, चून सिंह, हीरा सिंह, राजकुमार जैन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कोयल स्कूल में वार्षिकोत्सव संपन्न। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोयल में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भामाशाह और प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्यारचंद मेहता थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कोयल सरपंच पुष्पा गुर्जर ने की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र गुर्जर ने अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बाल विवाह पर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में तेरी मिट्टी में मिल जावे सरीके राजस्थानी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में भामाशाह प्यारचंद मेहता ने 21,000 रुपये विद्यालय विकास के लिए सहयोग के लिए दिए। इस अवसर पर गोमती मेहता, पूर्व सरपंच गोपीलाल गुजर, गोर्धन लाल, जोगेंद्र सिंह, भवानी शंकर, राजेश कुमार आदि मौजूद थे। पंचायत समिति सभागार में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बैठक संपन्न। पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन पर बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत पंचायत समिति राजसमंद की प्रथम चरण में 11 ग्राम पंचायतों को ODA प्लस के लक्ष्य में क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक में समयबद्ध कार्रवाई कर ODA प्लस लक्ष्य क्रियान्वयन की कार्रवाई 15 अप्रैल तक करने के निर्देश दिए। पंचायतों को RCC सेंटर प्रस्ताव भेजने, नाली नालों के प्रस्ताव के गाँवों का चिन्हीकरण कर नरेगा से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बैठक में ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार जोशी, सहायक विकास अधिकारी अंबालाल बोई, संजय आचार्य, जिला परिषद के लेखाकार केशव सांचीहर, बोरत सरपंच डिंपल कुंवर सहित बड़ी संख्या में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंचगण मौजूद थे। विप्रो फाउंडेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारी बैठक संपन्न। विप्रो फाउंडेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी बैठक शहर की एक वाटिका में हुई, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा पदाधिकारी, VCI एवं महिला प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में गणमान्य समाज के लोगों ने 26 एवं 27 मार्च को होने वाले विप्रो राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। 26 मार्च को विप्रो फाउंडेशन के तत्वावधान में सर्व ब्राह्मण समाज चेतना रैली एवं विप्रो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन राजसमंद की द्वारकेश वाटिका में आयोजित होगा। दो दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश भर के हजारों विप्र जन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान बैठक में युवा जिला अध्यक्ष विजय पालीवाल, जगदीश पालीवाल, बेरू लाल जोशी सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। गणगौर महोत्सव और मेला 2 अप्रैल से तैयारी बैठक संपन्न। नगर परिषद राजसमंद की ओर से गणगौर महोत्सव और मेला आगामी 2 अप्रैल से परंपरागत रूप से आयोजित किया जाएगा। मेले का आयोजन 5 दिवसीय होगा। इसको लेकर 24 सदस्यों की मेला कमेटी का गठन कर लिया गया है। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि परिषद बोर्ड की गत 27 फरवरी को हुई साधारण सभा की बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार परिषद द्वारा गणगौर मेला आगामी 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित किया
किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस 5 दिवसीय घनघोर महोत्सव मेले को लेकर सभापति अशोक टांग ने के निर्देशानुसार 24 सदस्यों की एक मेला कमेटी का गठन कर लिया है। उन्होंने बताया कि मेला और महोत्सव आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाएँ इस कमेटी के माध्यम से की जाएगी। नगर परिषद घनघोर महोत्सव और मेला कमेटी में अध्यक्ष नगर परिषद सभापति अशोक टांग एवं उपाध्यक्ष नगर परिषद उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली को मनोनीत किया गया है। वहीं मेला कमेटी के सदस्यों में नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत एवं पार्षद दीपक कुमार जैन, हेमंत रजक, हेमंत गुजर, हिमानी नंदवाना, सुमित्रा देवी नंदवाना, पुष्पा पोरवाल, शालिनी कच्छावा, राजकुमार पत्नी दाऊलाल पालीवाल, जेबा शाहीन, मोनिका खटीक, रूबीना बी, फुलेश कतरी, रूबीना सिलावट, कमला गायरी, लूबना सिलावट, तरुणा कुमावत, राजकुमारी पालीवाल, दीपिका कुमावत, पुष्पी भील, पूजा प्रजापत एवं गुलाबी बोई माली को सदस्य मनोनीत किया गया है। पुलिस पर फायरिंग करने और राजकार्य में बाधा डालने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस पर हमला करने और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में फरार चल रहे 9 बजरी माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले राजनगर थाना पुलिस ने मजा नांदोड़ा इलाके में बजरी माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायर भी किए थे। पुलिस ने मौके से घेराबंदी कर 15 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया, जबकि 14 भागने में कामयाब हो गए थे। पुलिस ने बजरी खनन में लगी 7 मशीनें, 7 ट्रैक्टर ट्रॉली, 11 बाइक और 2 कार और 165 टन बजरी का स्टॉक जब्त किया था। पुलिस ने इस मामले में राजू गुजर, मंगल सिंह, मजा नांदोड़ा निवासी राजू पुत्र रामनाथ कालबेलिया, जीवाखेड़ा निवासी भंवरलाल, भंवर पुत्र कालू गमेती गोवर्धन सिंह, पुत्र वाल सिंह जीवाखेड़ा निवासी गणेश, गुंजोल निवासी समुद्र सिंह, पुत्र शिव सिंह, मजा नांदोड़ा निवासी इंद्र सिंह, पुत्र वाल सिंह समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवारिया के केंद्राध्यक्ष व पेपर कोऑर्डिनेटर की 1 दिवसीय कार्यशाला हुई, जिसमें सभी केंद्राध्यक्ष को उच्च माध्यमिक व माध्यमिक की बोर्ड परीक्षा को लेकर जानकारी दी। कार्यशाला राजसमंद के CDO सोहन सिंह के मुख्य अतिथि में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता DEO सुषमा बनावत ने की, जबकि अति विशिष्ट अतिथि सरपंच ललित श्रीमाली थे। विशिष्ट अतिथि CDO मुकुट बिहारी, कमलेश त्रिपाठी व ADEO मनोज कुमारी थे। कार्यक्रम में संदर्भ व्यक्ति दीपक भारद्वाज, प्रधानाध्यापक देवगढ़ व कालेश्वरिया के प्रधानाध्यापक रजकेश खरड़िया द्वारा उपस्थित जिले भर के 99 केंद्र के केंद्राध्यक्ष को माध्यमिक व सीनियर बोर्ड के परीक्षा को लेकर जानकारी दी। मुख्य शिक्षा अधिकारी सोहन सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से व सीनियर बोर्ड की 31 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से 11:45 बजे तक चलेगी। इस परीक्षा का समय 2.5 घंटे का समय रहेगा। बताया कि कुल 99 परीक्षा केंद्र हैं, उसमें से 97 परीक्षा केंद्र के प्रश्न पत्र संबंधित पुलिस थाने में रखा जाएगा। इस दौरान पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यदेव शर्मा, सत्यनारायण पूर्बिया, उदयलाल सालवी, भगवती नंदन दादीज, रमा मैडम सहित कई शिक्षक गण मौजूद थे। शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 2022 में आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है जी। और माध्यमिक स्तर की परीक्षा 31 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है। इस संबंध में आज समस्त केंद्र अधीक्षक, पेपर कोऑर्डिनेटर, इनके जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवारिया के सभा कक्ष में विस्तृत दिशा निर्देश और कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। बाढ़ में आग लगने से हरे पेड़ पौधे जले। कुंवारिया क्षेत्र के पुलिस फायरिंग रेंज के पास खेत की बाढ़ में अचानक आग लग गई। हवाएं तेज चलने से आग काफ़ी तेज फैल गई। आग एक खेत से दूसरे खेत में फैल गई। सूचना पर पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने राजसमंद से दमकल बुलवाई। दमकल 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह आग रूपाखेड़ा निवासी रामचंद्र जाट, अम्बालाल जाट, मांगीलाल के खेत की बाढ़ में लगी, जिससे आगजनी से कई सारे पेड़ पौधे जल गए। धुआं उठता देख ग्रामीण मांगीलाल पर पहुंचे। बाढ़ में आग लग रही थी, इसी पर उन्होंने दमकल को सूचना दी। गनीमत रही कि हवाओं का रुख खेतों की ओर नहीं होने से खेतों में पड़ी गेहूं की फसल
बच गई। इससे लाखों का नुकसान होते होते बच गया। मौके पर दमकल कर्मचारी पूरण गोस्वामी, चालक सुंदरलाल, प्रकाश नाथ, गोविंद मीणा आदि ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। क्या हुआ? बाहर अज्ञात लोगों की अग्नि मेल दी, जिसमें एक किलोमीटर तक पूरे ये हरियाली नष्ट हो गई और करीब करीब नुकसान हो गया। एक लाख बाढ़ जल गई, पूरी बाढ़ खत्म हो गई, फिर जीव जंतु गई, हरे हरे पौधे सब जलकर खाक हो गया। फिर क्या गया? फिर क्या अग्निशमन को सूचना दी, अग्निशमन आया।